हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और सुबह का टाइम है और मैं शीरो को घुमाने आई हूँ, क्योंकि आज सलोनी नहीं आएगी 5 दिन तक। और आयुष अभी निर्वैर के पास है बैठा हुआ, और उसके हल्का सा कमर में चनका आ गया है, तो मैंने कहा मैं शीरो को घुमा के ले आती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट देखेंगे। आज उसके स्टाफ में भी लड़का नहीं आया है और यहाँ पर भी नहीं आया, और जिनको मैंने झाड़ू पोछे के लिए बुलाया था वो भी नहीं आई आंटी आज, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा है। जो पूरे दिन होगा वापस आज शेयर करूँगी, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखिए मुझे घुमा रहा है, मुझे सच में यही घुमा रहा है, क्योंकि इसे खींचना पड़ता है हर जगह। चल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज सलोनी नहीं आई है और 5 दिन तक नहीं आएगी, तो मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट बना लिया था पापा का, और ये बनाया है आयुष का, उसको ऐसे खाना था। और आज जब कोई है नहीं ना, तो इसको बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रही है, इधर से उधर भाग रही है बहुत तेज़ तेज़, पता नहीं क्या हो रहा है इसे फालतू में। आज मुझे इतने काम है, और निर्वैर सो रहा है अंदर, इसीलिए अंदर ब्लॉग नहीं बनाया। आयुष को भी मैंने बोला कि बाहर धूप में बैठ जाओ, वो नहा लिया था, उसके चनका आया था, तो मैंने कहा तुम धूप में बैठो अपना, और थोड़ा सेक लगेगा कमर पर, और मैं ब्रेकफास्ट भा ही देती हूँ। तो चलिए, धूप बहुत अच्छी निकली है, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि निर्वैर अंदर सो रहा है, और अगर मैं उसको बाहर उठा के लाऊंगी तो वो उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो मुझे लगता है 5 दिन तक तो मैं धूप इतनी इस हिसाब से नहीं सेक पाऊंगी जैसे मैं रोज़ सेकती हूँ। तो कोई नहीं, अभी काम निपटाते हैं, मुझे लंच भी बनाना है, उतने टाइम में ही लंच बनाना है जितने वो सो रहा है। बहुत सारे काम है, कपड़े भी डालने मशीन में, तो चलिए अपना भी ब्रेकफास्ट करना है मुझे। यार मुझे अपना भी तो बनाना, मैं भूल ही गई थी, तो अपना भी ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और चाय भी रखी है मैंने। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जो भी होगा वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है और चाय भी, और मैंने अपने ऑमलेट में एक तो उसको जो कच्चा होता है वो नहीं खाती मैं, तो मैंने तो पलट दिया था, और मैंने हरी मिर्च डाली है, और इन्हें सेकना मैं भूल गई। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा सेकने की। ब्रेकफास्ट करते हैं, निर्वैर भी सो रहा है अंदर, आयुष है, तो जब तक वो सो रहा है तब तक काम निपटा देते हैं अपने सारे। थोड़ी देर में मिलते हैं। A few hours later. हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, और आज का दिन है मंडे, और थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल। मैं भी स्टोर पे था, क्योंकि स्टोर पे काम बहुत रहता है आज के दिन। अब मैं आया हूँ लंच के लिए घर पे, और कार्तिक अपना रियर रहा था, बूंदी में रहा था, मस्त छौंक डाला इसने रहते में, खुशबू आ रही है, और पुलाव बन चुके हैं, वाह, टमाटर, गोभी, गाजर, दिस इज़ नॉट पुलाव, दिस इज़ वेज बिरयानी। वैसे वेज बिरयानी पुलाव ही खिलाती है। तो अब लंच करेंगे और फिर वापस से स्टोर पे जाएंगे, और फिर रात को आएंगे 7 बजे। तो ये रहा आज का लंच, वेज पुलाव एंड बूंदी का रायता। बूंदी का रायता क्या मैंने छौंका है इसको लेके, क्या कहना चाह रहा है तू? अपना तूने लंच कर लिया ना, अब हम कर ले अपना लंच, बता बता बता, हम अपना लंच कर ले। हाँ, 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 हाँ। तो ये चल रहा है जिम इसका, पता नहीं कौन से टाइप का जिम चल रहा है इसका। ये देखो पैर कहाँ पहुंचा दिए इसने, यहाँ करे थे तेरे पैर मैंने, ये देखो। ये क्या लाके दिया तूने इसे बवाल, इसने तो तोड़म पोड़ी मचा रखी इसमें, वहां की जगह यहाँ मार रहा पैर यहाँ, ये देख अभी देखो पैर मार रहा है, मार रहा है अपने मुंह पे ना मार ले, मुझे लगता है इसको लेके खड़ा हो जाएगा किसी दिन, कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ बढ़ रहा है नीचे ऊपर ही, अभी और नीचे जाने के, तो अभी तो यहाँ पहुंच गया है। तो दोस्तों, दिन में लंच करके मैं चला गया था स्टोर पे, और अब मैं आ चुका हूँ घर, और चैंप हो रहा है बहुत ज़्यादा क्रैंकी, और ये गोद से उतर नहीं रहा है, और कार्तिक अंदर किचन का कर रही है काम, क्योंकि आज हमारी मेड नहीं आई और वो 3-4 दिन तक नहीं आएगी। तो चैंप को देखिए आप, बहुत ज़्यादा चीखने लग गया, बहुत ज़्यादा, अब चीख, अब क्यों नहीं चीख रहा, चीखो अब, चीक चीक अप। और कार्तिक को चाय बना के ले आई है, वाह भाई वाह। थक गए
आज बन रही है घर में चाउमीन, लोहे की कढ़ाई में चाउमीन बना रही है कार्तिका। गुड़िया चाउमीन वाली, ये गुड़िया चाउमीन वाली, ये ना मल्टी टैलेंट भाई, सब कुछ करेंगे हम। ठीक है, डाला तुमने काली मिर्च, तुमने वो डाला इसमें जिन्होंने मोटा होना, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो वो नहीं डालती मैं बिना। अजीनो मोटो के नहीं खाई तुमने? कैसी स्वाद लगती है? अजीनो मोटो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अजीनो मोटो। वाह जी वाह, तो चाइनीज में बोलते हैं अजीनो मोटो, हिंदी में बोलते होंगे। कैचअप डाला तुमने अभी? पहले चाउमीन डालती थी मैं, कि कैचअप डालती थी। तो आयुष इसको मिक्स कर रहा है अपने अलग स्टाइल में, मैं तो फोक से और इससे करती हूँ बड़े चम्मच से। तो चाउमीन बनके रेडी है और देखने में तो बड़ी सही लग रही है क्योंकि मैंने बहुत भूनी है ये। तो चलिए खाते हैं और आयुष से पूछते कैसी लगी। पहले खा तो लो। और तो बहुत ही बढ़िया बनी यार आज, मतलब और जो और टाइम से तारीफ भी ना करे इंसान, आज तो लगी नहीं देगी घर पे बनी भी। मुझे तो देसी ठेले वाली चाउमीन लग रही है आज। हाँ जल्दी बढ़िया। The next morning. दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हैं कार्तिक जा रही है शीरो और स्मोकी को लेके घुमाने। ये लो जाओ घुमा के लाओ। आज है हल्की हल्की धूप, हो रहा हमारा घर, हमारी पार्किंग में टाइल्स का काम हो रहा है कुछ। ठंड लग रही है, ठंडी हो रही है क्योंकि दोस्तों कड़ी पत्ता तोड़े थोड़े से सूखे हुए थे, लेकिन इन्हें धो के साफ करके सुखा के रखूंगी और शायद आज हम डोसा बनाएंगे, तो इसलिए मैंने ये तोड़ के रखे हैं। तो दोस्तों मैं शीरो को घुमा के ले आई थी और आयुष ने तब तक मेरी ग्रीन टी बना दी थी, तो मैंने ग्रीन टी पी ली है और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ आलू पकौड़े, सॉरी ब्रेड पकौड़े। तो ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ मैं आज, थोड़ा सा रेसिपी देख के, वैसे तो मुझे आते हैं बट लेकिन मुझे एक रेसिपी पसंद आई थी किसी की, मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। और एक तरफ मैंने राजमा रख दी है उबलने, आज राजमा चावल बनेंगे और ब्रेड पकौड़ा। तो चलिए तैयारी करते हैं, तैयारी वैसे ऑलमोस्ट मैंने कर दी है थोड़ी बहुत, अब थोड़ा बहुत काम रह गया है वो करते हैं। तो ये मैंने बैटर बना लिया है और यहाँ रख दिया है मैंने आलू को ले, और ये मैंने आलू में डालने हैं। चल रही है इसकी मालिश और वहाँ बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े और ये खुश हो रहा है, ये ब्रेड पकौड़े खाएंगे, ये देख ले खुश हो रहा है इसलिए। तो मैंने ब्रेड पकौड़े का मसाला तैयार कर लिया है इसमें छौंक लगा के, और कसूरी मेथी, साबुत धनिया, समोसे वाली फिलिंग जो होती है ना वो प्रॉपर वो लगा के इसमें ये रेडी हो चुका है। अब करते हैं ब्रेड पकौड़े की तैयारी। मैंने ये फिल करके इसके साथ मैंने रख दिए हैं, अब ऑयल गर्म हो रहा है तो बैटर लेकर आते हैं और बैटर में इसको डुबोते हैं और डालते हैं। ब्रेड पकौड़े तैयार हो चुके हैं। ओ भाई बहुत थक गए, आयुष निर्भय को सुलाने लग गया था बीच में, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, तो गैस वैस सब बंद करनी पड़ी। और वो दो चाय क्या करना है? चीनी डालनी है। अबे यार चीनी डालना ही भूल गई मैं। चाय एक तरफ ब्रेड पकौड़े बैटर बन रहा, एक तरफ राजमा उबल रही, एक तरफ वो चिल्ला रहा उसका दूध बनाया, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा था अभी माहौल। तो बस अभी आजकल तो ऐसी है, जब तक नहीं आती है सलोनी या कोई भी तो देखते हैं। अभी मेरी बहुत दर्द हो रहा है कमर में, मैंने ब्रेड पकौड़े बना के बाहर आ गई हूँ, बाहर धूप थोड़ी हल्की धूप है, थोड़ा सा धूप सेक रहे हैं। आयुष गया चीनी डालने चाय में, तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और ब्रेड पकौड़े बहुत यमी बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, लेकिन मज़े से खा ही नहीं पा रहे हैं अभी क्योंकि इतना ज़्यादा हचपच हो रखा था अभी। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और मैं बताना भूल गई कि मैंने ना हरी मिर्च भी फ्राई की थी, क्योंकि आयुष की वजह से मैं हरी मिर्च डालती नहीं हूँ काट के आलू में, तो मैं थोड़ा सा इसके बीज निकाल के, क्योंकि ये भी बहुत तीखी थी, तो मैंने बीज निकाल के इसको इसके अंदर बेसन की फिलिंग करके इसको तल दिया था, तो बहुत यमी लग रहा है ये भी, तो वो मैं ही खा रही हूँ, आयुष खाता नहीं है क्योंकि।
चौमिन वाली, ब्रेड पकौड़े वाली, ये करते रहना। एक तरफ गुड़िया चौमिन वाली, एक तरफ गुड़िया ब्रेड पकौड़े वाली। एक बैन लेते हैं, उसको करते हैं पेंट, चलाते हैं अपनी फूड चेन। मुझे कोई शौक नहीं है, तुम्हें बना लेना। चाय आ गई चीनी डल के। और आज आयुष ने ना मुझे कहा था अर्बन कंपनी से ना अपने लिए बुक कर ले मसाज या वो हेड मसाज करने के लिए। मैंने ना कल सोचा कि चल मैं कर लेती हूँ कल, क्योंकि एक दिन पहले बुकिंग करनी होती है, और मैंने ना 12 बजे की कर दी थी। फिर मेरे दिमाग में आ गया यार छोड़ कल देखूंगी, मैंने करी नहीं। और अब पता है कितने, अब पता है कितना टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है बताओ? 12:30 बजे है और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो सोचो अर्बन कंपनी वाले भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट ही कर रहे होते अभी। बना रहे होते हैं। और मेरी कमर की बैंड बच चुकी है और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं ऑपरेशन के बाद से हाथ पैरों में थोड़ा सा, मेरे ना पैरों के नीचे दर्द होने लगा है हल्का हल्का सा। A few hours later. हेलो दोस्तों, तो मैं, अब हो रहा है दिन का टाइम और राजमा चावल मैंने बना दिए थे, मटर भी छील दी थी, काफ़ी सारी मटर थी छीलने के लिए। तो जब तक निर्वैर सो ही रहा था तो मैंने कहा चल मैं फ्री हो गई हूँ तो मटर भी छील देती हूँ। उसके बाद निर्वैर उठ गया है अब, और बाहर जो कपड़े, मैं ना ये दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ, ये वाला जाली वाला इसलिए नहीं खोलती क्योंकि इसकी रोशनी सीधा फेस पे जाती है तो वो उड़ जाता है, इसलिए मैंने अब खोला है क्योंकि वो उड़ गया है और उसका दूध का भी टाइम है। मेरी कमर की बैंड बच चुकी है बहुत ज़्यादा, और अब जो बाहर कपड़े कल डाले धोए थे वो अभी सूख गए हैं, तो उनको उठाते हैं और उनकी तय करते हैं। तो चलते हैं बाहर। और ये दोनों मेरे नोनू बच्चे, दोनों के दोनों, इन्हें चाहिए हरा घास, उसको दे चुकी हूँ मैं, लेकिन वह दोबारा आ रही है मांगने। और आज धूप भी बहुत ठंडी है और मुझे नहाना भी है, तो आयुष आएगा मैं तभी नहा पाऊँगी, तो थोड़ा सा ठंड हो जाएगी जब वो आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि रात को नहा के सीधा बिस्तर में ही जाऊँ, बाहर नहीं जाऊँगी, बाहर जाऊँगी तो बीमार पड़ जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, धूप थोड़ी थोड़ी सी आ रही है देखो। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे फेमस एक्टर मिस्टर शशांक अरोड़ा जी, जो हमारे स्टोर पे आए हैं। आपने तनाव तनाव सीरीज में भी थे ना आप? यस। तो प्लीज आप एक बार, तो हमारा यूट्यूब चैनल है मिस्टर एंड मिसेस सनन, इफ यू कुड प्लीज चेक इट आउट, या गो सब्सक्राइब एंड वॉच इट, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा शशांक अरोड़ा जी यहाँ पे आ रखे, तो यहाँ पे शूटिंग चल रही है तनाव 2 की, और काफ़ी देर बातचीत हुई उनसे और काफ़ी मज़ा आया उनसे मिलकर, वेरी गुड गाय। और अब वो चले गए हैं वापस अपने होटल में, और देखते हैं, ही विल कॉल मी अप, और उनसे मिलने मिलने का प्लान अभी सेट हुआ है, देखते हैं कैसे बनता है। तो मैं आया था स्टोर पे, स्टोर पे माल वाल स्टॉक को कर रखा है काफ़ी, तो वो मिलाते हैं। और उसके बाद ये देखो पीछे खड़े होकर टाइम पास कर रहा है स्टाफ में रहे, देखो hey guys. ये हम, मेरा स्टाफ है, इसका नाम है चुलबुली इसका नाम है श्रद्धा, श्रद्धा आई कपूर वाह। चलो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बारह बज रहे हैं अभी, हम खेल रहे हैं, नींद आ रही है इसकी, तो आंखों में बिल्कुल नहीं लग रही। ये तो खेलेगा मेरे साथ आज 3 बजे तक। ओए पुपू कर दी, मैं मुझे कर रहा हूँ तो पुपू कर दी असली वाली। ओए ओए चलो गुड नाइट कर दे, गुड नाइट कर दे। चलो बोलो दोस्तों, अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अच्छा मेरे को ही देखना, तूने मेरे को ही देखता है। चलो दोस्तों हम इसके साथ खेलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज मिस्टर एंड मिसेस टंडन एंड हमारे छोटे टंडन। चलो बाय कर दो, बाय बाय।